अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली? ठीक हैं? ये टेंशन जो मेरी थी रिहाना के कपड़ों की, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये क्लियर हो गए हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ उनके बेटे का, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तो आमना ने दो फ्रॉक रेडी की हैं, वो कह रही थी कि मैम मेरा भी जो है ना वो दिखाएं कि मैंने ये काम किया है, बड़े नीट है और अच्छे जो है ना इसने सिलाई की है बच्ची ने। ये भी मेरी एक बड़ी प्यारी सी कस्टमर है, उनकी दो बच्ची हैं माशाल्लाह, उनके ये रेडी किए हैं उसने। फिर उसके बाद अक्सा बेटी के कपड़े रेडी कर रहे हैं हम लोग। तो आमना को मैंने बोला कि जो है ना इसका ख़र्चा वो रेडी करो, तो वो बाजू पे डिज़ाइन बनाना था, लुक्स वगैरह जो है ना वो काट रही थी, काफ़ी हेल्प कर देती है मेरे साथ, और काम भी जो है ना जितना बोला जाए बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये करती है। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें और छत पर चल के तो मौसम इन्जॉय करते हैं, क्योंकि नीचे जो है ना वो सा पूरा का पूरा घर बंद है तो मौसम का पता नहीं चलता कि कैसा मौसम है। तो मौसम इन्जॉय करने हम लोग छत पर आ गए। ये देखें माशाल्लाह प्यारे से पौधे, खूबसूरत से ग्रीन कलर के हैं, कुछ हरे भरे हैं, कुछ सूखे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। ये जो हमारा प्यारा पाकिस्तान का परचम है वो हवा से कैसे झूम रहा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और मौसम तो कमाल का हो गया हुआ था। ऊपर ही हम लोग जो है ना वो प्याज वगैरह भी ले आए, क्योंकि भिंडियाँ बनानी थी वो कटिंग की। फिर उसके बाद ये फल है जो मैं और अब्दुल रहमान बाज़ार से लेके आए, तो अमरूद जो है मुझे मिले नहीं, बाकी सारा फल मिल गया क्योंकि फ्रूट चाट बनानी थी। तो अमरूदों की मुझे कमी बहुत फील हुई है, क्योंकि अमरूद मार्केट में अच्छे है ही नहीं थे, सिर्फ पूरे बाज़ार में एक जो है ना रेड़ी थी और वो भी उसमें ऐसे ही एवं से ही थे, अमरूद अच्छे नहीं थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो।